जय माँ काली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण मंत्र और चमत्कारी वशीकरण मंत्र में। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको किसी व्यक्ति को आपके वश में करने के लिए बहुत ही प्रबल उपाय बताऊंगा जो कि मेहंदी से कर पाएंगे आप। और इस विधि को आपको करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशिष्ट समय का, अर्थात इस कार्य को आप पूर्णिमा या अमावस्या में कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी समय हो। आपको मेहंदी लेनी है, मेहंदी अर्थात जिससे हाथों में लिखा जाता है, रचाया जाता है, वो वाली मेहंदी लेनी है। भोजपत्र लेने हैं मित्रों, और दिया लेना है। दिया कोई सा भी तेल का ले सकते हैं, सरसों घी जो भी हो। और उसके बाद आपको मेहंदी से आपको भोज पत्र में उस व्यक्ति का नाम लिखना है, पूरा नाम, जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं। उसका नाम लिख देने के बाद उसे दिए के ऊपर रख कर दिया प्रज्वलित करना है, घी का दिया जो आप जलाएंगे, और प्रज्वलित करके उस दिए को देखते हुए आपको एक मंत्र जो मैं बताऊंगा, शक्तिशाली आकर्षण मंत्र, उस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम जाप कर देना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जी हाँ, ओम क्लीम काम देवाय मम प्रेमार्थे पूर्ण रूपेण देही देही स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, ओम क्लीम काम देवाय मम प्रेमार्थे पूर्ण रूपेण देही देही स्वाहा। बस इतना आपको बोलना है, और माला कोई सा भी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद उस जो सिद्ध आपके द्वारा सिद्ध किया हुआ भोज पत्र है, उसे आपको अपने बटुए में, पर्स में, या फिर किसी भी जगह रख सकते हैं, या नहीं रख पा रहे हैं तो अपने गले में ताबीज के रूप में या हाथ में ताबीज के रूप में बांध लीजिए। फिर आजीवन वह व्यक्ति आपके प्रेम में बंध जाएगा और वह व्यक्ति सिर्फ आपके ही प्रेम में रहेगा। जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। जय मां काली। मित्रों,